लगने के लिए जा रहा है तैयारी, कम से कम भी जो है 100 से 50 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, इस तरह से जो है वो चीज़ों में फ़र्क है। ये बोरियां हैं जिसमें जो है वो आलू प्याज जो है यहाँ पर भरा हुआ है, टमाटर की पेटियां भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आलू जो है वो 35 रुपए किलो है, प्याज 65 रुपए है, टमाटर 55 रुपए है, कद्दू लौकी जो है वो 50 रुपए किलो है, खीरा 50 रुपए किलो है, पालक 30 रुपए किलो है, तुरई जो है वो 40 रुपए किलो है, भिंडी 120 रुपए है, टिंडा 70 रुपए फी किलो है, अरवी जो है वो 90 रुपए किलो है, और बैंगन 50 रुपए किलो है, करेला 60 रुपए, गोभी 70 रुपए, और शिमला मिर्च जो है वो 20 रुपए पाव, लहसुन जो है वो 50 रुपए पाव यानी 200 रुपए किलो, मार्केट में 320 रुपए इस वक्त लहसुन चल रहा है इसके रेट। अदरक भी यहाँ 50 रुपए पाव है, लीमू जो है 50 रुपए पाव यानी 200 रुपए किलो, और धनिया जो है और पुदीना 10 रुपए का है। यहाँ पर लगा सजा चुके हैं, यहाँ पर गोभी है, गोभी के अलावा जो है वो करेला है। 90 से 100 रुपए पक्का है। यहाँ पर क्या मिला आपको? यहाँ मुझे अभी 55 रुपए इन्होंने बताया। अच्छी किस्म के टमाटर हैं मार्केट में, ये 400 रुपए किलो, यहाँ 200 रुपए किलो है। ठीक है, हम जो मार्केट से रेट लेके आते हैं उससे बिल्कुल जो है ना समझ लें ना होने के बराबर मुनाफा हम ले रहे हैं इसमें। इससे ये कि लोगों को बेनिफिट होगा और हमारी जमात जो पिछले कई बरसों से काम करती भी आ रही है उसके लिए तो खैर नया नहीं है, मगर लोगों के लिए हमें शायद नया लगे। अरवी क्या हिसाब मिली आपको? अरवी ये 90 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, बाजार में क्या हिसाब? बेटा 40 रुपए पाव से 160 रुपए है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर सब्जी की कीमत जो है वो तकरीबन 50% से 60% तक भी यहाँ पर लोगों को सस्ती सब्ज़ी मिल रही है। भाई महंगाई आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है और इतनी ज़्यादा है कि चीज़ें जो है वो लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। मतलब गोश्त का तो आप तसव्वुर शायद कर ही नहीं सकते, आप सब्ज़ी खाने का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ऐसे में इतनी महंगाई में अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं जो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज हम एक ऐसे ही स्टॉल पर आए हैं और संडे के दिन जो है वो यहाँ पर आपको सस्ती, बल्कि सस्ती नहीं इंतहाई सस्ती जो है वो सब्ज़ी यहाँ पर दस्तयाब होगी। और मैं आपको बता दूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजीम प्लाजा चौक पे, और ये गालिबन ये शू मार्केट का इलाका है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इतनी सारी जो है यहाँ पर सब्ज़ियाँ हैं अभी, और ये अभी स्टॉल जो है वो लगने के लिए जा रहा है, तैयारी के मराहल में है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो इनका बाकायदा एक स्टॉल लगाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर रेट लिस्ट है, और ये आप देख सकते हैं ये रेट लिस्ट है, और रेट जो है वो इस पर मेंशन किए जाएंगे। और ये भी हम आपको बता दें कि मार्केट से कम से कम भी जो है 100 से 50 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, इस तरह से जो है वो चीज़ों में फ़र्क है। और हर इतवार के दिन जो है वो ये स्टॉल लगे करते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। जो है ये तहरीक अल्लाहु अकबर है, इनके कारकुनान जो है ये स्टॉल लगाते हैं, और जितनी भी चीज़ें मार्केट से आती हैं वो ये इंतहाई सब्सिडाइज रेट पर अपना सिर्फ किराया निकाल कर और जो है वो यहाँ पर सेल करते हैं। तो ये बोरियाँ हैं जिसमें जो है वो आलू प्याज जो है यहाँ पर भरा हुआ है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो टमाटर की पेटियाँ भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आलू जो है वो 35 रुपए किलो है, प्याज 65 रुपए है, टमाटर 55 रुपए है, कद्दू लौकी जो है वो 50 रुपए किलो है, खीरा 50 रुपए किलो है, पालक 30 रुपए किलो है, तुरई जो है वो 40 रुपए किलो है, भिंडी 120 रुपए है, टिंडा 70 रुपए फी किलो है, अरवी जो है वो 90 रुपए किलो है, और बैंगन 50 रुपए किलो है, करेला 60 रुपए, गोभी 70 रुपए, और शिमला मिर्च जो है वो 20 रुपए पाव, लहसुन जो है वो 50 रुपए पाव यानी 200 रुपए किलो, मार्केट में 320 रुपए इस वक्त लहसुन चल रहा है इसके रेट। अदरक भी यहाँ 50 रुपए पाव है, लीमू जो है 50 रुपए पाव यानी 200 रुपए किलो, और धनिया जो है और पुदीना 10 रुपए का है यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो प्याज की 2-2 किलो की जो है वो थैलियाँ तैयार करके जो है रखी जा रही हैं, और उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है जब लोगों का रश होगा तो फिर तोलने में चीज़ों को जो है वो खासी मुश्किलात होंगी। तो यहाँ पर जो है ये थैलियाँ तैयार करके रख रहे हैं और काम शुरू हो चुका है। हम आपको स्टॉल के बाहर के मनाजिर भी दिखाते हैं। ये देखें जी, शिमला मिर्च
जो है वो यहाँ पर है, और इसके अलावा भिंडी अभी जो है ये खोल के जो है यहाँ पर लगाई जाएगी। अरवी है यहाँ पर, अरवी भी जो है वो लगा सजा चुके हैं यहाँ पर। गोभी है, गोभी के अलावा जो है वो करेला है, करेले के अलावा जो है पालक है यहाँ पर, और बाकी सब्जियाँ जो हैं वो अभी लगाई जा रही हैं। आप सब्जी मतलब हरिद्वार को ख़रीदते हैं यहाँ से या आज ही आएँ? आज आएँ। आज आएँ जी। क्या हिसाब मिल रही है आपको यहाँ पे? अभी तो मुझे इन्होंने 20 रुपए किलो बताई है पालक जी। तो बाज़ार में क्या हिसाब है? बाज़ार में पूछा नहीं है, अभी लिए मैंने, बाज़ार में 35-40 होगी, ऐसी कुछ होगी। अच्छा, यानी आधे का फ़र्क है जी। और टमाटर जो है इस टाइम तकरीबन यहाँ मैंने तो अभी पूछा नहीं है, लेकिन बाज़ार में 90-100 रुपये चल रहा है। अच्छा, तो बाज़ार में जो है वो 90-100 रुपये आप बता रहे हैं? 90-100 रुपये पक्का है। यहाँ पर क्या हिसाब मिला आपको? यहाँ मुझे अभी 55 रुपये इन्होंने बताया। चले, ज़बरदस्त है। तो और क्या क्या पालक खरीदी आपने और टमाटर खरीदे? बस ये घर के लिए यही चीज़ ले रहे, अभी और चीज़ें पूछेंगे। क्या समझते हैं, कैसा मतलब ये तरीका? नहीं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है। एक दो बार मैं आया लेकिन टाइम से ख़त्म हो गया, आज मुझे ज़रा मौका मिला तो मैंने लेने के लिए घर के लिए आ गया। तो आपने देखा भाई, ये भाई बता रहे हैं कि टमाटर जो है वो मार्केट के अंदर 90-100 रुपये किलो मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो है टमाटर 55 रुपये किलो हैं, तकरीबन आधो आध का फ़र्क है। बाकी और भी सब्ज़ियाँ जो है यहाँ पर दस्याब है। ये अभी भिंडी की थैली खुली जा रही है। भिंडी क्या हिसाब है भाई? 120 रुपये भिंडी, 120 रुपये किलो है। यकीनन मार्केट में 150-200 रुपये किलो होगी। फ्रूट की क्वालिटी देखें यार आप, बहुत मतलब सब्ज़ी की क्वालिटी देखें आप, सब्ज़ी जो है वो बहुत ही अच्छी किस्म की यहाँ पर सब्ज़ी है, और अच्छी किस्म के टमाटर हैं। बाकी हम आपको और भी यहाँ पर सब्ज़ी की क्वालिटी दिखाते हैं। अगर हम बात करें लीमू की, लीमू की क्वालिटी भी भाई आप देख सकते हैं। भाई लीमू क्या हिसाब है? 50 रुपये पाओ, 200 रुपये किलो ये लीमू है, और बकरा ईद का सीज़न है आपको पता है, मतलब पर लग जाते हैं लेमन की कीमत को। हाँ, मार्केट में ये 400 रुपये किलो, यहाँ 200 रुपये किलो है। देखिए मतलब 100% जो है वो सस्ता है यहाँ पर। और भी देखें, अब यहाँ पर जो है वो लाइन लग गई है लोगों की, लोग यहाँ सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, और डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी की और सस्ती क्वालिटी की सब्ज़ी है, तो लोग जो है वो यहाँ पर सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आ रहे हैं लोग दर्जों। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ तहरीक अल्लाह अकबर के जो है फरहान भाई मौजूद हैं, और ये सारे मामला जो है इस अजीम प्लाज़ा चौक के जो स्टॉल के तमाम मामला ये संभालते हैं, और भी इनके साथ काफ़ी सारे लोग हैं। तो अजीम भाई, वो मैं आपका नाम भूल गया, फरहान भाई, मुझे ये बताइए कि क्या सिलसिला है, किस तरह से जो है वो सिलसिला? यही है कि हम जो है ना अपनी तंजीम की तरफ से एक लोगों के साथ तआवुन करना चाहते हैं। तंजीम का नाम बता दें। तंजीम अल्लाह अकबर, तंजीम की तरफ से हम लोगों के साथ तआवुन करना चाहते हैं। एक सस्ता बाज़ार हम जो है ना लोगों के लिए सहूलत पैदा करना चाह रहे हैं। ये है कि हम जो मार्केट से रेट लेके आते हैं उससे बिल्कुल जो है ना समझ लें ना होने के बराबर मुनाफा हम ले रहे हैं इसमें। इससे ये कि लोगों को बेनिफिट होगा, और हमारी जमात जो पिछले कई बरसों से काम करती भी आ रही है उसके लिए तो खैर नया नहीं है, मगर लोगों के लिए हमें शायद नया लगे। अच्छा फरहान भाई, कितना किस हद तक डिफरेंस है मतलब बाज़ार में मिलने वाली सब्ज़ी का और आपके स्टॉल पे मिलने वाली सब्ज़ी का? तकरीबन आप समझ लें कि जो ना 30% से लेके 60% तक हमारे रेट बाज़ार से कम है। जिसकी मिसाल आप ये ले लें कि टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहे हैं, हमारे स्टॉल पे आपको टमाटर 55 रुपये किलो मिलेगा। प्याज 80 रुपये बिक रहा है तो हम 55 रुपये बेच रहे हैं, 65 रुपये बेच रहे हैं। आलू पर फ़र्क है, बाकी चीज़ों पर, सब्ज़ियों पर बहुत फ़र्क है। लहसुन का बताइए कुछ ज़रा। लहसुन अदरक के हिसाब से ये कि मार्केट में लहसुन अदरक 320 रुपए किलो तक बिक रहा है और हम 200 रुपए बेच रहे हैं। सही है, जैसे नींबू 400 रुपए किलो बिकता है तो हम यहाँ पे नींबू 200 रुपए किलो बेच रहे हैं। अच्छा फरहान भाई से हम मज़ीद ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फरहान भाई, मुझे ये बताएँगे, ये जो सारा सामान आप लोग लेके आते हैं तो ख़र्चा वगैरह किस तरह से निकालते हैं आप इसका सामान? खर्चा वगैरह ये है कि बस जो हम ये लेके आए हैं इसकी हमने कैलकुलेट कर ली, इसमें किराया वगैरह लगा लिया, उसके बाद जो है ना हम अपना जो मैनेजमेंट जो हमारी बैठी होती है वो
पैसे कवर करती है। पिछले से लगा रहे हैं तो एक दो बारी से समझ लें कि बराबर में जा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लॉस भी हो जाता है, मगर ये है कि हम जो है ना, हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को जो है ना अच्छा से अच्छा पेश करें। आप सब्ज़ियाँ देख सकते हैं, इसमें जो है ना आपको लो क्वालिटी कोई नहीं लगेगी। आप वो टमाटर की पेटियाँ बड़ी हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छे से अच्छा लेके आएँ और सस्ते से सस्ता बेचें। अच्छा, आखिरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हफ्ते में कितने दिन ये स्टॉल लगता है और कितनी देर के लिए लगता है? बस एक दिन लगाते हैं इतवार को। इतवार को एक दिन इतवार को लगाते हैं, सुबह 10 बजे अभी शुरू करेंगे, इंशाल्लाह दोपहर 2-2.5 बजे तक ख़त्म करते हैं। शुक्रिया अबराम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये नेकी है और अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जब लोगों के लिए जो है वो रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, सब्ज़ी तो मतलब ख्वाब रह गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि 100-100, 50-50, 60-60 रुपए का डिफरेंस जो है वो चीज़ों में है। और यहाँ पर आप भी आना चाहें और अगर सब्ज़ी बाय करना चाहें तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा कि किस किस जगह पर जो है ये स्टॉल लगाते हैं सब्ज़ी का। तो इतवार वाले दिन आप सुबह सुबह आके अपने घर के लिए सब्ज़ी ख़रीद सकते हैं, एटलीस्ट 4 दिन तो आप फ्रिज में रख के चला ही सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? यहाँ बेटा अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं क्या खरीदनी है आप? मैं सब्जी खरीद रही हूँ, बैनर देखा था ना इनका। जी जी, तो आया बेटा। अरबी क्या हिसाब मिली आपको? अरबी ये 90 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, बाजार में क्या हिसाब? बेटा 40 रुपए पाव से 160 रुपए है। अच्छा, हाँ तो कैसा है आप? सही है बेटा, सही है, बैनर देख कर ही मैं यहाँ आई हूँ। बहुत सस्ती है, सस्ती है, अफोर्ड कर सकता है यहाँ लोग आगे। सही है बेटा, ले सकता है इंसान है ना। हाँ, महंगाई के दौर में ये अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। अल्लाह इनको है ना हिदायत दे, रब्बुल आलमीन बेचारों को अल्लाह ताला अजर देगा इसका इंशाल्लाह। ऐसी और जगह भी इंशाल्लाह अगर लगते रहे तो पब्लिक आती है, क्योंकि बेटा गरीब का है ना इस वक्त बहुत बुरा हाल है। और फिर ये कि हमें ऊपर ना ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए, हमारे से नीचे वाले किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे हम गुजार रहे हैं, बस ये है बेटा। देख रहे हैं आप, यहाँ पर लोग जो है वो लेना शुरू हो गए हैं। अभी आंटी से हमारी बात हुई, ये बता रही है कि ये अरबी जो है ये मार्केट के अंदर जो है 140 रुपये, नहीं 40 रुपये पाव लिए मैंने परसों, 40 रुपये पाव इन्होंने लिए, 160 रुपये किलो, 160 रुपये किलो, ये 90 रुपये किलो यहाँ पर जो है वो मिल रही है। तो ये बड़ी मतलब खुशाइन बात है। और आप देख रहे हैं कि रश यहाँ लगता जा रहा है लोगों का। मुझे ये बताएं भाई, सब्जी क्या लेने के लिए आए आप? टमाटर, हरी मिर्ची, ये नींबू वगैरह। तो मुझे ये बताएं मार्केट से कितना सस्ता है यहाँ? मार्केट से बहुत सस्ता, बहुत सस्ता, मतलब फिर आधे का फर्क है। तो भाई ये बता रहे हैं मार्केट से आधे का फर्क है टमाटर, नींबू और हर चीज़ का फर्क है। चूँकि बकरीद का सीज़न है, ये सब चीज़ें घर की ज़रूरत होती हैं, और ये ऐसे ऐसे इसके रेट्स और बढ़ेंगे। यहाँ तकरीबन जो है 50% का फ़र्क है। तो दोस्तों आपने देखा है कि यहाँ पर जो है वो तहरीक अल्लाह अकबर की जानब से ये स्टॉल लगाया गया है, और यहाँ पर सब्ज़ी की कीमत जो है वो तकरीबन 50% से 60% तक भी यहाँ पर लोगों को सस्ती सब्ज़ी मिल रही है। और अभी ये स्टॉल शुरू हुए मेरे ख्याल में 15 मिनट हुए हैं, और इतना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड जमा हो गया है, मुझे लगता है कि शायद 1-1.5 घंटे के अंदर ये सारी सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी। हर इतवार के दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इनकी जानिब से स्टॉल लगाए जाते हैं। तो हमें चाहिए कि भाई इस तरह के लोगों को सपोर्ट करें, और उन्हें जो है वो हर तरह की जो है वो हम सपोर्ट देने की कोशिश करें। तो ये वीडियो अब यहीं तक रहेगी, और अगर आप सब्ज़ी ख़रीदना चाहें तो आपको मैं तमाम इनके स्टॉल्स की लोकेशन दे दूंगा। संडे वाले दिन जो है वो सुबह 10 बजे से इनका काम शुरू होता है, और मेरे ख्याल में 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।